नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 जून को ही 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, यानी कि CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2 जून को ही रद्द कर दिया गया था कोरोना के चलते। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने ये घोषित किया है कि 31 जुलाई तक इसका रिजल्ट आएगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो लोग 12वीं की परीक्षा नहीं दिया, उन लोगों की रिजल्ट कैसे आएगा, इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, कैसे होगा नंबर का मूल्यांकन, कैसे मिलेगा नंबर, सभी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम में, यानी कि CBSE बोर्ड का 12वीं की एग्ज़ाम, करीबन 12 लाख से ऊपर स्टूडेंट इसमें बैठने वाले थे। जब एग्ज़ाम कैंसिल होने का खबर सामने आया, तब करीबन 12 लाख स्टूडेंट के साथ उनके माता पिता भी हैरान थे, क्योंकि जब जब हमारे देश में बोर्ड की परीक्षाएं होते हैं, तब तब उनके माता पिता को भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। उन लोगों का भी नींद उड़ जाता है, ऐसा लगता है एग्ज़ाम उनके बच्चों का नहीं बल्कि उन लोगों का हो रहा है। अब इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐलान किया है कि 31 जुलाई को बिना परीक्षा करने के बावजूद वो लोग रिजल्ट निकालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब परीक्षा ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, कैसे निकलेगा इसकी रिजल्ट, किसकी आधार पर ये रिजल्ट निकाला जाएगा। तो गौर से सुनिए इस बात को। ऐसे होगा रिजल्ट का मूल्यांकन। ये रिजल्ट 10वीं क्लास से 30% ली जाएगी, 11वीं क्लास से 30% ली जाएगी और 12वीं क्लास से भी 40% ली जाएगी। जो लोग 10वीं की परीक्षा दिए थे, उस परीक्षा के आधार पर उन्हें 30% वहाँ से लेगा। अब 11वीं की क्लास से जो परीक्षा हुआ था उसमें से 30% ली जाएगी। अब बाकी रहा जो 40%, वो 40% 12वीं की क्लास से ली जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि 12वीं की परीक्षा ही नहीं हुआ तो 12वीं की 40% कैसे लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि 12वीं में जो प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, जो प्री क्वार्टर टेस्ट हुआ, जो मॉक टेस्ट हुआ, उनके आधार पर ही ये 40% ली जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके भेजिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिस्टर अमित कुमार, जी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।